नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान पर। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी हाजिर हूँ आपके लिए आज पुनः एक प्यारा टॉपिक लेकर। आज हमारा टॉपिक है शारीरिक का विस्तार। हम ये आज जानेंगे कि शारीरिक का विस्तार कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि शारीरिक का विस्तार हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, और मैंने वहाँ आपको एक उदाहरण भी दिखाया था जिसमें हमने शारीरिक का विस्तार R1 के सापेक्ष किया था। परंतु आज के वीडियो में मैं आपको शारीरिक का विस्तार R2 के सापेक्ष और C1 के सापेक्ष करके सिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम शारीरिक का विस्तार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको शारीरिक विस्तार का चिन्ह अवश्य याद होना चाहिए। वैसे मैं आज के वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि शारीरिक विस्तार का चिन्ह लेते कैसे हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने टॉपिक को समझने के लिए सर्वप्रथम मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल में इस प्रकार का शारीरिक लिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने शारीरिक एक लिया, ये 1 1 1 5 -3 1 7 4 2। यही एग्जाम्पल मैं दो बार लूँगा। पहली बार मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि R2 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, जबकि आगे मैं इसी सारणी का विस्तार C1 के सापेक्ष करके आपको दिखाऊंगा। दोनों एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि विस्तार के बाद आंसर हमें एक ही प्राप्त होगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि सारणी का विस्तार हम चाहे किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर लें, चाहे किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर लें, आंसर में उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका विस्तार का चिन्ह क्या है। तो विस्तार का चिन्ह, जैसा कि मैंने कल भी आपको सिखाया था, कि उल्टे यश के आकार में चलता है। इधर से हम चलते हैं आगे, फिर इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, जैसा कि प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से हम विस्तार कर रहे हैं R2 के सापेक्ष। तो दोस्तों, यहाँ पर आप R2 का चिन्ह देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि R2 का चिन्ह हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, माइनस प्लस और माइनस। तो हमें जब R2 के सापेक्ष विस्तार करना है, तो दोस्तों हमें ये R2 के अवयव पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि R2 के अवयव क्या हैं, 5 -3 और 1। दोस्तों ये है 5, उसके बाद ये -3, फिर ये 1। यहाँ से हम देखते हैं अब विस्तार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 को लिखते हैं, यहाँ नीचे हमने 5 को लिखा, फिर हम लिखते हैं -3 को, फिर उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे 1 को। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहले 5 को लिखा, फिर -3 को लिखा, फिर 1 को लिखा। अब आगे देखिए, इनके सामने हमने चिन्ह कैसे लगाया। चिन्ह तो हम यहाँ से लगाएंगे R2 से देख के, माइनस प्लस और माइनस। तो पहले 5 के सामने हमने चिन्ह लगाया माइनस, उसके बाद हमने 3 के सामने देखिए चिन्ह लगाया प्लस। ये 3 नहीं, -3 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सवाल में ही -3 है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 1, 1 के सामने विस्तार का चिन्ह माइनस है, ये हमने लगा दिया। दोस्तों उसके सामने अब सारणिक हम किस प्रकार से भरते हैं ये हम देखते हैं। तो दोस्तों ये सारणिक भरने के लिए पुनः हम सारणिक को थोड़ा नीचे करते हैं। अब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा अवयव 5 है, 5 के लिए हम देखते हैं। तो अगर 5 की सारणिक भरनी है, तो मैंने कल भी आपको सिखाया था, जिस अवयव को हम लिखते हैं उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ बंद कर देते हैं। तो हम 5 लिखे हैं यहाँ पे बाहर, इसलिए 5 की ये हो गई पंक्ति और ये हो गया स्तंभ, दोनों हमने बंद कर दिया। तो क्या दिख रहा है दोस्तों, 1 1 4 और 2, वो हमने यहाँ पे भर दिया। फिर आगे हम देखते हैं पुनः -3 के लिए। तो -3 के लिए आप फिर से देखिए, तो -3 ये रहा आपका, -3 की जो पंक्ति है ये है, और -3 का जो स्तंभ है ये है। इस प्रकार से आपने इसको बंद कर दिया। अब दोस्तों इसमें बचा आपका 1 1 7 और 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं फिर से हम पुनः 1 के लिए, 1 हमारा यहाँ पे है, तो 1 की ये हो गई पंक्ति, 1 का ये हो गया स्तंभ, इसको हमने बंद किया। तो हमें मिल गया 1 1 7 और 4, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपको तीनों आसानी से समझ में आ गया। अब हम इसका नीचे गुणा देखते हैं, हमने कैसे किया गुणा देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं इसका, आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए,
माइनस पाँच बाहर था। अब जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हम पहले गुणा ये वाला करते हैं, तो देखिए दो गुणा एक हमने लिखा है, उसके बाद में गुणा इसका करते हैं ये वाला। तो यहाँ पे हमने देखा चार गुणा एक, चार गुणा एक, चूँकि ये इसका चिन्ह प्लस आ रहा था इसलिए हमने इसके पहले माइनस चिन्ह लगा दिया। पुनः हम देखते हैं दूसरे अवयव के लिए माइनस तीन, यहाँ पे माइनस प्लस, हमने इसको क्या कर दिया माइनस। अब पहले गुणा इसका करते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे एक गुणा दो, उसके बाद ये सात गुणा एक था तो उसका चिन्ह हमें बदलना था इसलिए हमने उसके पहले क्या लगा दिया माइनस। मैंने कल आपको बताया था जो गुणा बाद में करते हैं उसका चिन्ह हम बदल देते हैं। पुनः माइनस एक के लिए हम देखते हैं दोस्तों, माइनस एक के लिए हमने देखा यहाँ पे हम एक गुणा क्या करेंगे चार करेंगे, ठीक है। तो एक गुणा चार हमने कर दिया इसको, फिर ये हमारा आया सात गुणा एक, सात गुणा एक, परंतु इसका चिन्ह हमें बदलना था इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो अब फिर ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे आगे हम दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगली लाइन में अब आता है ये माइनस पाँच। अब इसमें दो एक कम दो हो गया, चार एक कम चार हो गया, दो माइनस चार या तो इतना आप जानते ही होंगे, माइनस तीन है, फिर एक गुणा दो है तो दो एक कम दो, फिर सात एक कम सात, फिर माइनस एक, चार माइनस सात, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस पाँच तो हमने बाहर लिखा लेकिन अंदर दो माइनस चार है ब्रैकेट के अंदर, ये जैसा कि आप देख रहे हैं तो दो माइनस चार है, तो इसमें माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए हमने नीचे यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा जब चिन्ह विपरीत होता है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बच गया माइनस दो। यही काम दूसरे वाले में हमें करना है, माइनस तीन बाहर बचा है, माइनस तीन हमने लिख दिया, उसके बाद दो माइनस सात है, दो माइनस सात के बाद यहाँ पे माइनस वाला पुनः बड़ा था, माइनस चिन्ह हमें लगाया, फिर सात में से हमने पाँच घटा दिया। लास्ट वाले में भी हमको यही करना है, माइनस एक बाहर है हमारा, माइनस एक रहने देंगे इसको, उसके बाद चार माइनस सात है अंदर, चार माइनस सात। अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि माइनस सात बड़ा है तो माइनस चिन्ह हमने लगाया और सात में से चार घटा दिया तो माइनस तीन बच गया। अब देखिए यहाँ पुनः क्या होता है दोस्तों, ये माइनस पाँच गुणा माइनस दो करना था तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, ये आप याद रखिए, माइनस माइनस बराबर प्लस, ये केवल गुणा में होता है अगर बीच में गुणा लगा हो तो, ये नियम आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस का गुणा प्लस और पाँच दूना दस, दूसरे कॉलम में भी वही हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस और पाँच तीन पंद्रह, तीसरे में भी वही हुआ, माइनस माइनस का गुणा प्लस और तीन एक कम तीन। तो इस प्रकार से हमारे जो तीनों मान हैं वो प्लस में आ गए, प्लस दस, प्लस पंद्रह और प्लस तीन, इनको हमने ऐड किया तो हमको इसका आंसर क्या मिल गया, अट्ठाईस। ठीक है दोस्तों, इसे हम एक बार पुनः समझ लेते हैं, आर टू के सापेक्ष हमने विस्तार कैसे किया। आर टू के सापेक्ष विस्तार करते समय हमने ये ध्यान दिया कि सबसे पहले हमें आर टू का अवयव पता होना चाहिए, जिसे हमने क्रम से लिख दिया पाँच, माइनस तीन और एक। उसके बाद हमने उसके विस्तार का चिन्ह यहाँ से देखा, माइनस, प्लस और माइनस, तो हमने एक बार माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, ये आप देख चुके। उसके बाद हमने इसके अवयवों को कैसे भरा, जब हमें ये पाँच का अवयव भरना था या पाँच की सारणी भरनी थी तो सबसे पहले हमने पाँच की पंक्ति को बंद किया और इस पाँच के स्तंभ को बंद किया। पाँच की पंक्ति और पाँच के स्तंभ को बंद करने के बाद हमें मिला एक एक, फिर चार दो, वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस तीन की सारणी को जब भरना था तो माइनस तीन की पंक्ति और स्तंभ को बंद किया, तो माइनस तीन आपको दिख रहा है यहाँ पे, माइनस तीन की पंक्ति ये हो गई, माइनस तीन का स्तंभ ये हो गया, ये आपने बंद किया तो दिखा क्या, एक और एक, फिर सात और दो, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये दिख रहा है आपको सीधे सीधे। उसके बाद दोस्तों हमें किसका भरना था, एक का भरना था, तो एक की पंक्ति ये हो गई और एक का स्तंभ ये हो गया, इसको जब हमने बंद किया तो क्या दिख रहा है दोस्तों, एक और एक, फिर सात और चार, तो यहाँ से हमने इसको भर दिया। और आगे का गुणा आप लोगों को पता ही था कि गुणा हमने कैसे किया, पहले हमने गुणा सभी में इसका किया, इधर से इधर से इधर से, और जो हमने बाद वाला गुणा किया उसका चिन्ह हमने बदल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जो यहाँ पे आंसर मिला वो क्या मिला, 28। ये आंसर आपको याद रखना है क्योंकि अभी मैं आपको इसी एग्जाम्पल को C1 के सापेक्ष विस्तार करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि आप सारणिक का विस्तार चाहे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करें, आंसर आपको एक ही मिलने वाला है अगर सारणिक के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात सारणिक के अवयव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, अब इसी एग्जाम्पल को हम पुनः लेते हैं। देखिए दोस्तों वही एग्जाम्पल है, 111 5 माइनस 31 फिर 742। यहाँ हमने पुनः आपको विस्तार का चिन्ह दिखाया, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। इस बार हम
किसकी चर्चा करेंगे, C1 की चर्चा, क्योंकि हम विस्तार किसके सापेक्ष करने वाले हैं, C1 के सापेक्ष। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे C1 का चिन्ह ये है, प्लस माइनस प्लस, ये तो कुछ R1 से मिलता जुलता है जैसा मैंने कल आपको बताया था, तो उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना चिन्ह देखना है, प्लस माइनस और प्लस हमने देख लिया। अब हम अगर C1 के सापेक्ष दोस्तों विस्तार करना चाहते हैं तो हम C1 को देखते हैं, C1 हमारा इस प्रकार से है दोस्तों, C1 को देखते हैं, C1 ये ऊपर से नीचे है C1। अब C1 के जो अवयव हैं वो है 1, 5 और 7, ठीक है। तो हमने सर्वप्रथम क्या किया, 1 को लिखा, 5 को लिखा और 7 को लिखा, और सभी के सामने ये प्रकार से छोटी छोटी सारणी हम बना लिए, ठीक है। उसके बाद हम विस्तार का चिन्ह इनका याद करेंगे, तो C1 का विस्तार का चिन्ह यहाँ सारणी में देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस और प्लस। तो हमने 1 के सामने लगाया प्लस, 5 के सामने लगाया माइनस, 7 के सामने लगाया प्लस, इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। फिर अब हम क्या करते हैं, इनकी सारणी पुनः भरना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सर्वप्रथम हम इस 1 के अवयव से शुरू करते हैं, क्योंकि C1 का पहला अवयव तो यही है। अब इस C1 की पंक्ति को और C1 के स्तंभ को हमें बंद करना होगा, तो सर्वप्रथम C1 की पंक्ति ये हो गई, C1 का स्तंभ ये हो गया, इसको जब आपने बंद किया तो क्या दिखा आपको, -3, 1, 4 और 2, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, -3, 1, 4 और 2। उसके बाद हम आते हैं C1 के दूसरे अवयव, किस पर, 5 पर, 5 ये है 5 यहाँ पे। तो हमने कल बताया था आपको कि जिसका जो अवयव लिखते हैं उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ बंद कर देते हैं, सारणिक विस्तार का मुख्य नियम यही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये पंक्ति हो गई, ये इसका स्तंभ हो गया, दोनों हमने बंद कर दिया, तो हमें क्या मिला, 1, 1, 4 और 2, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर तीसरा अवयव हमने लिया 7। अब देखिए दोस्तों जब हमने 7 लिया तो 7 तो यहाँ सबसे नीचे है, तो 7 की पंक्ति आप फिर बंद करिए, 7 का स्तंभ आप फिर बंद करिए, बंद कर दिया आपने, मिला क्या, 1, 1, -3 और 1, ये आपने लिख दिया यहाँ पे, 1, 1, -3 और 1, इस प्रकार से हमने सारणी को भर दिया। अब आगे इसका हम विस्तार करते हैं, विस्तार के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पर आपको 2 सवाल बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो अब आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें किसका गुणा पहले करेंगे, अब तो हमसे ज़्यादा जानकार हो गए होंगे, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, मैं से कोशिश कर लेता हूँ, वैसे तो आप जानकार हो ही चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला गुणा हम 3 और 2 का करेंगे, तो ये देखिए आपको -3 गुणा 2 दिख रहा है, फिर ये 4 और 1 का हमने गुणा किया, लेकिन इसका चिन्ह बदलना था तो सामने इसके हमने माइनस लगा दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए दूसरा वाला देखा हमने -5, तो फिर इसमें गुणा 1 और 2 का पहले करना था, 2 एक कम 2 हो गया और 4 एक कम 4, लेकिन ये देखिए यहाँ पे प्लस आया था ना, तो हमने इसका चिन्ह बदल के कर दिया माइनस। तीसरे में देखिए 7 7 है, तो 7 के कॉलम में आपको दिख रहा है ये 1 और 1 पहला गुणा ये वाला, तो 1 गुणा 1 हमने इसको कर दिया। फिर यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे तो हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है, इसीलिए मैंने इस सवाल को लिया आपके लिए। देखिए यहाँ पर ये जब गुणा आप कराएंगे, फिर से मैं इसको हटाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ये वाला जब गुणा कराएंगे आप -3 गुणा 1, तो अब देखिए यहाँ पे -3 गुणा 1 तो आपने लिख दिया, लेकिन हमने कल बताया था कि जो गुणा बाद में करते हैं उसका चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका चिन्ह हम बदलेंगे, तो इसीलिए हमने इसके सामने चिन्ह क्या लगाया, माइनस हो गया। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो 1 हो गया, उसके बाद 3 गुना -6 हो गया, 4 एक का -4 हो गया, -5 को बाहर छोड़िए, इसमें फिर वही नियम, माइनस वाला बड़ा था प्लस वाला छोटा, इसलिए माइनस चिन्ह लगा के 4 में से हमने 2 घटा दिया। यहाँ पर देखिए अब 7 बाहर है, 1 एक कम 1 हुआ, ये माइनस माइनस का गुणा, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस बार ध्यान देने वाली बात है, ये गुणा हो रहा है क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो वो गुणा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, माइनस माइनस का गुणा +3 हो गया, हो गया इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का चिन्ह समान है और इनके बीच में गुणा का चिन्ह तो लगा नहीं है, इसलिए हम इसको वही चिन्ह लगा के जोड़ देंगे, तो माइनस लगेगा और 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर तो हमें गुणा करना है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब गुणा होता है, तो ये आपने कर लिया, 5 दूना 10, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस। फिर यहाँ पे देखिए 7 है और 3 1 4 है, तो 7 गुणे 4 इसको लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से दिखाते हैं आपको,
ये प्लस एक गुणा माइनस दस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और दस एक कम दस, ये आपका प्लस दस दिख रहा है, इसको आपने लिख दिया, और ये सात चौका अट्ठाईस। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, तो ये एक माइनस दस था और एक प्लस दस था, दोनों कट जाएंगे, तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, अट्ठाईस। तो देखा आपने, इस प्रकार से जब हमने इस सारणी का विस्तार C1 के सापेक्ष किया तब भी हमको आंसर कितना मिला, 28 ही मिला, और हमने जब R2 के सापेक्ष किया था तब भी हमको 28 ही मिला था। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम सारणिक का विस्तार चाहे किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर दें, हमको आंसर एक ही मिलेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये चीज़ को ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। अगर आपने कल की वीडियो पूरी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैंने अंत में आपको एक सवाल दिया था जो कि इस प्रकार से था, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और एक, ठीक है, ये प्रकार से हमारा सवाल था, इसको हमें हल करना था। तो हम इसे किस प्रकार से हल करें दोस्तों, सर्वप्रथम देखते हैं इसका हम आर वन के सापेक्ष विस्तार करते हैं। आप लोग भी सामान्य विस्तार आर वन के सापेक्ष करिए, क्योंकि वहाँ पे चिन्ह गलती होने की कोई संभावना नहीं होती है, और आप आसानी से उसकी खड़ी पड़ी अर्थात पंक्ति और स्तंभ को बंद भी कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आर वन के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ। अब देखिए, आर वन के सापेक्ष आपको विस्तार करना है तो आर वन के विस्तार का चिन्ह प्लस माइनस और प्लस पता होना चाहिए, ठीक है, और इसका अवयव क्या था, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा एक, फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन एक का चिन्ह प्लस था तो हमने प्लस लगाया, ओमेगा का चिन्ह माइनस था माइनस लगाया, फिर ओमेगा स्क्वायर का चिन्ह प्लस था तो हमने प्लस लगाया। कहाँ से मिला आपको, विस्तार के चिन्ह से मिला, ये बात ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस और प्लस। अब इनकी छोटी छोटी सारणी हम भरते हैं, तो इनकी छोटी सारणी हम कैसे भरते हैं, पहले हम आते हैं पहले अवयव एक के लिए। तो हमारा पहला अवयव है एक, इसकी पंक्ति बंद किए, इसका स्तंभ बंद किए, ठीक है, बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर एक, फिर ओमेगा और एक, देखिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद पुनः आते हैं, हम किसका भरते हैं, ओमेगा का भरते हैं, तो ओमेगा की पंक्ति हो गई ये, ओमेगा का स्तंभ हो गया ये, फिर हमने क्या किया, उसको बंद कर दिया, तो बचा हमारे पास ये दूसरे में ओमेगा एक, तीसरे में बचा ओमेगा स्क्वायर एक, इसको हमने भर दिया। तीसरे में हम आते हैं जब ओमेगा स्क्वायर के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए क्या होगा दोस्तों, इसकी पंक्ति है ये, इसका स्तंभ है ये, बंद किया हमने, तो देखिए आपको ये दिखा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, इस प्रकार से आपको दिख गया दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका गुणा करते हैं या इनका विस्तार करते हैं। तो विस्तार कैसे हुआ ये आप देखिएगा, यहाँ पर विस्तार थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि कुछ मान हमको यहाँ पर रखने पड़ेंगे पुनः। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो सबसे पहले हम ओमेगा स्क्वायर गुणा एक करेंगे, ये देखिए, फिर ओमेगा गुणा एक करेंगे यहाँ पे इस तरह से, इसमें ओमेगा गुणा एक किया हमने, ये किया हमने, ओमेगा स्क्वायर गुणा एक किया हमने, यहाँ पे लिख दिया, फिर ये ओमेगा गुणे ओमेगा पहले करना है, ओमेगा गुणे ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम सबका चिन्ह भी बदल दिए बीच में, क्योंकि सबके बीच में हमने माइनस चिन्ह लगाया तो चिन्ह अपने आप बदल जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे देखिए, अब क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का गुणा जब हमने एक में किया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, फिर जब हमने ओमेगा का गुणा एक में किया तो ये हो गया ओमेगा। आगे देखिए, ये हो गया दोस्तों ओमेगा, फिर यहाँ पे हो गया ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका गुणा जब कराए ओमेगा का गुणा ओमेगा में तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, दो घात और दो घात था, दोनों का गुणा हो गया तो कितना घात हो गया, चार घात हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका गुणा अंदर की तरफ कराएंगे, कैसे होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, एक का गुड़ा ओमेगा स्क्वायर में करा दिए तो ओमेगा, फिर इसी एक का गुड़ा ओमेगा में कराए तो माइनस ओमेगा, क्योंकि माइनस उसके पहले लगा हुआ था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको माइनस ओमेगा का गुड़ा ओमेगा में करना है तो माइनस चिन्ह लगेगा, क्योंकि अंदर वाला प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और ओमेगा का गुड़ा ओमेगा में क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब ये इस ओमेगा का गुणा इस ओमेगा स्क्वायर में करना है तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ओमेगा स्क्वायर ये दो घात है और इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक घात है, दो और एक मिलके तीन घात हो जाएगी, तीन घात हमने लगा दिया। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, ये है ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे, इसमें भी दो घात इसमें भी दो घात, कितनी घात हो गई, चार घात। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसी ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा की घात चार में करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए दो और चार घात मिलकर कितनी हो जाएगी, छः घात। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है
जब हम चर पदों का गुणा करते हैं और चर पद आपस में समान हैं, तो गुणा करते समय चर पदों की घातें आपस में जुड़ जाती है, जैसा कि यहाँ पर सभी गुणनफल में हुआ है। देखिए यहाँ पे दो घात था, यहाँ पे चार घात था, घातें जुड़ गई, चार दो छः हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम इनको घातों में तोड़ते हैं, क्योंकि हमने कल आपको कुछ मान भी बताया था। कैसे बताया था? एक ओमेगा क्यूब बराबर एक बताया था, और एक फिर वन प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो बताया था। तो इसकी ज़रूरत तो फिलहाल यहाँ पे नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये जब हमने गुणा कराया तो ओमेगा स्क्वायर कट गया, ओमेगा स्क्वायर से बचा क्या, माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब। अब ये देखिए यहाँ पे जो ओमेगा की घात चार था, इस चार घात को हमने तीन घात और इसके ऊपर एक घात में तोड़ दिया, कोई घात नहीं लगाई तो वो एक घात हो गया। ठीक है, फिर ये जो छः घात था, छः घात को हमने तीन घात में तोड़ दिया, क्योंकि तीन और तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, छः आएगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, गुणा करने पर घात जुड़ती है, तो घात जुड़ेगी। तो घात अगर जुड़ी हुई है तो अगर फिर उसको तोड़ेंगे तो फिर वही घात अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या सूत्र याद रखना है? कि ओमेगा क्यूब बराबर एक। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब बराबर एक हो गया, तो ओमेगा क्यूब का मान हमें एक रखना है। दो जगह हमको तीन जगह ओमेगा क्यूब दिख रहा है, तो एक तो पहले माइनस ओमेगा आप उतार दीजिए, ये भी आपको ओमेगा क्यूब दिखा था, यहाँ पे इसका मान एक हो गया, ये आपको ओमेगा क्यूब दिखा, इसका मान एक हो गया, उसके गुणा में ओमेगा कर दिया आपने, यहाँ पे दोनों ओमेगा क्यूब हैं, इसका मान एक गुणा एक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बचा माइनस ओमेगा, उसके बाद देखिए ये बचा आपका प्लस एक, फिर ये ओमेगा, फिर माइनस एक, सभी कट गए। कटने के बाद पूरा आंसर हमें क्या मिल गया, जीरो। तो इस प्रकार से आपके कल का सवाल हो गया। जो विद्यार्थियों ने इसको लगा लिया है, आंसर उनका सही आया है, वो फिर से अलग सवाल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी वीडियो मिलती जाएगी, जिससे आपका ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो उन ज़रूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा जो अभी तक इस ज्ञान से दूर हैं। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।